ये बहुत
5 years old.
अंडरस्टूड दिस चैप्टर इतने समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू पेस्ट योर रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ गिवन स्पेस। यहां पे आपकी बुक में स्पेस दिया गया है, वहां पर आपको अभी के अभी फोटो एक पिक अपनी है, फोटो आपको वहां पर पेस्ट करनी है। अगर यू आर डन वेरी कलर पिक्चर ऑफ गर्ल एंड यू आर इफ यू आर बॉय देन यू कलर पिक्चर ऑफ बॉय, आपको बॉय पिक्चर कलर करनी है। अंडरस्टूड? ये सारे बच्चों के लिए, तो जो काम करता है सिर्फ वही चीज आपको सर्कल कलर
बिना बॉल बॉल के साथ खेलना जिसे अच्छा लगता है वही उसका करेंगे ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है गिव एन आइसक्रीम। आइसक्रीम खाना कितना अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है ना? 2 years से तो वैसे भी मन अच्छे से मन से नहीं खाए हुए है ना, 2 साल से कोरोना के कारण कोई बच्चे नहीं खाए हुए है ना, बहुत ही जिसे भी अच्छा लगता है वो सर्कल को गर्म करना दूध दूध पीना। फिर फोर्थ नंबर पे आपको फोर्थ नंबर वाला इससे या फ्लावर फ्लावर को या फ्लावर जो होता है स्मेल करते हैं ना उससे वो करना जिससे अच्छा लगता हो वो सर्कल पे करना करें। बट ये अच्छी आदत नहीं है जिससे अच्छा लगता है तो ये सब की हैबिट को चेंज करना ठीक है। आइए जब करने फिफ्थ नंबर पे मेन टू प्ले उसको अच्छा लगता है इसे अच्छा लगता हो वो सर्कल को कलर कर दे ठीक है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फ्लाई अ काइट। काइट को फ्लाई करना, काइट को फ्लाई करना किसे किसे अच्छा लगता है? अच्छा किसे अच्छा लगता है वो तू कलर ना कर ओके। आपको सर्कल को कलर करना अगर आपको अच्छा लगता है इसमें देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपको कंपल्सन नहीं है कि आपको सारी सर्कल फिलिंग है, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं है ना, जो भी आपको अच्छी लगती है क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ यू विल ओनली दैट सर्कल्स, आपको सिर्फ उन्हीं सर्कल्स को कलर करना है, सबको करना कंपल्सन नहीं है आपको ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए ओके ओके। So, understood this chapter? ये chapter आपको समझ में आ गया? अच्छा, except these questions, कुछ questions और हैं, जैसे कि आपको ये भी याद होनी चाहिए कि who is your best friend? आपका best friend आपकी कौन है? मतलब my best friend is, आपको answer क्या करना है? My best friend is, जो भी आपको best friend name हो आपको वो बोलना है, ठीक है? फिर अगर कोई आपसे पूछते हैं आपके मम्मा पापा क्या करते हैं, व्हाट इज योर फादर, आपके पापा क्या है? इफ यू आर इफ योर फादर इज अ डॉक्टर देन यू गेट माय फादर इज अ डॉक्टर। अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं तो आप बोलेंगे माय फादर इज अ बिजनेसमैन। अगर आपकी मम्मा टीचर है माय फादर इज अ